हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सानिया ज़ेफ़िलेफ व्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक नया व्लॉग। व्लॉग जो है दैट इज़ फॉर डाइट चिकन। मैं जो चिकन डाइट में अपनी खाती हूँ, मैं वो चिकन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यूजुअली मैं ये प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, आज मैं आपके लिए ये पैन में बना रही हूँ, विच इज़ गोना टेक अ लिटिल मोर टाइम, बट आई एम गुड विद दैट। अब इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच जो है ऑलिव ऑयल डाल लिया है, और इसमें मैं डालूंगी खड़े मसाले। खड़े मसाले में मैं सिर्फ 2 से 3 चीज़ें यूज़ करूंगी: मोटी इलायची, काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी और 1-2 लौंग। आप तेल को अच्छे से गर्म होने दें। तेल को गर्म होने के बाद आप इसमें खड़े मसाले डालें और इनको अच्छे से क्रैकल होने दें। ये अच्छे से क्रैकल हो रहे हैं। अब इसके अंदर मैं डालूंगी अदरक लहसुन की पेस्ट। अदरक लहसुन की पेस्ट जो है मैंने ऑलरेडी बना के रख ली थी। इसमें मैंने 8 से 9 लहसुन की कलियां डाली हैं, 2 इंच का अदरक डाला है और 2 हरी मिर्च डाली है। मुझे थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है खाना, क्योंकि डाइट फूड आपको पता है बहुत ब्लैंक होता है और मुझे इतना ब्लैंक फूड खाने की आदत नहीं है, तो मैं अपने टेस्ट बैलेंस कर लेती हूँ इस तरह से। अब आपको अदरक लहसुन की जो पेस्ट है ये अच्छे से भूननी है, और जो आपकी कटोरी में लेफ़्ट ओवर पेस्ट रह गई है उसको भी प्लीज़ यूज़ कीजिए। मैं थोड़ी इंडियन हूँ इन मामलों में, आई डोंट लाइक वेस्टिंग, तो मैं ये अच्छे से साफ़ करके इसको डाल दूँगी। इतनी ज़्यादा अदरक लहसुन की पेस्ट यूज़ करने का मेरा कारण था बिकॉज़ मैं थोड़ा ज़्यादा चिकन बनाती हूँ ताकि मेरा 2-3 दिन चल पड़े। आज जो मैं चिकन बनाने वाली हूँ वो कम से कम मैं 1.5 से 2 किलो के बीच में चिकन ब्रेस्ट है जो बनाने वाली हूँ, और उसमें इतना सही मसाला डालूंगी। इसको अच्छे से भून लेने दें अदरक लहसुन के पेस्ट को। इसको थोड़ा टाइम लगता है पर भूनिए अच्छे से, अगर आप नहीं भूनेंगे तो कच्चा रह जाएगा। ये है चिकन ब्रेस्ट जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसको ऑलरेडी मैंने कट कर लिया है और एक तरफ मैं अपने मसाले के रेडी होने की वेट कर रही हूँ। मेरे ख्याल से मसाला अच्छे से भून चुका है और ये लाल घी में आना शुरू हो गया है और कढ़ाई भी छोड़ रहा है ये। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ अपनी चिकन ब्रेस्ट, अपनी नहीं चिकन की ब्रेस्ट, और चिकन ब्रेस्ट डालने के बाद मैं इसको अच्छे से भून लूँगी चिकन को। चिकन को पैन में पकने में थोड़ा टाइम लगता है, यही आप कुकर में बनाएंगे तो 2 विसल्स लगवाएंगे एंड योर चिकन इज़ रेडी। बट आज मेरा मन था कि मैं पैन में बनाती हूँ, और इसको अच्छी तरह आप जो है मिक्स कर लीजिए। मसाला लग जाना चाहिए सारे चिकन में, और ये मसाला ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही मसाला मैं यूज़ करती हूँ जो एप्ट है, जो अप्रोप्रिएट है, इतना ही मसाला चाहिए आपको। ये 1.5 किलो चिकन होगा जिसमें मैंने एक छोटी सी कटोरी मसाला डाला है। डाइट चिकन यूजुअली टेस्टी नहीं होते हैं, डाइट फूड कोई भी टेस्टी नहीं होता और ना ही अपीलिंग होता है। तो आप अब हम चिकन, ये चिकन बनाकर इसको हम ड्राई वेजेस के साथ खा लेते हैं, बेल पेपर्स काट के या क्यूकम्बर्स काट के हम उसके साथ खा लेते हैं, या किसी टाइम हम लोग व्हीट पास्ता के साथ खा लेते हैं। और ये चिकन अभी बन रहा है, इसको मैं बार बार ढक देती हूँ हिलाकर, और काफ़ी हद तक पानी जो है चिकन ने सोख लिया है, पानी बहुत कम रह गया है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक आप स्वाद अनुसार डालिए, आपको जैसा नमक पसंद है वैसा डालिए। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ पर आज मेरे पास पिंक सॉल्ट ख़त्म था तो मैंने आज वाइट सॉल्ट यूज़ किया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर काली मिर्च डालूंगी। आप अपने टेस्ट के अनुसार जो डालना चाहें आप डाल सकते हैं, अगर आपको ऑरिगैनो अच्छा लगता है वो भी डाल सकते हैं, आपको चिली फ्लेक्स अच्छे लगते हैं वो भी डाल सकते हैं। मैंने काली मिर्च और नमक डाला है, उसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसको स्टर करके जो थोड़ा सा पानी रह गया है उसको भी अच्छे से इवेपोरेट होने दूंगी। अच्छे से स्टर करके हम इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए और ढक देंगे ताकि सारा पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाए और चिकन में जो मॉइस्चर है वो बना रहे। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, और 2 से 3 मिनट के बाद हम लिड उठा के देख रहे हैं, बिल्कुल जो है चिकन पक चुका है
और एक एक पीस जो है वो अलग अलग आपको दिख रहा है। इस चिकन को आप किसी तरह भी इंजॉय कर सकते हैं, आप इसको ड्राई वेजिटेबल्स के साथ खा सकते हैं, रॉ वेजिटेबल्स के साथ खा सकते हैं, सौते करके वेजिटेबल्स को खा सकते हैं, आप इसको वीट पास्ता के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं लेमन स्क्वीज करके। जब आप स्टोर करें तो उसमें लेमन मत स्क्वीज कीजिए, बिकॉज़ अगर आप उसको स्टोर करके दोबारा हीट करेंगे तो लेमन की वजह से वो कड़वा टेस्ट आपको देगा। मेरा चिकन ऑलमोस्ट रेडी है, अब मैं खाने के लिए इसके ऊपर जो है लेमन स्क्वीज करूँगी और इसको इंजॉय करूँगी। दिस वॉज माई रेसिपी फॉर माई डाइट चिकन। ऐसी और भी बहुत सी रेसिपीज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगी। Thank you for watching and please comment in the section below if you have tried this recipe and how did you find it. Thank you and subscribe if you have not.